ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के थर्ड T20 मैच की हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने दो T20 मैचेस देख रखा है और लास्ट मैच के लिए मैंने बोला था कि आप GL टीम खेलो या फिर आप विनर सीजन एंट्री खेलते हो, देखोगे वहां पे आपको एक जैकपॉट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जैकपॉट जो है वो उड़ा और बहुत सारे लोग जो लोग खेले उनको पता होगा कि 40 पैसे पाकिस्तान से जो है आपको ऑस्ट्रेलिया विन देखने को मिला और वो आया था 17-18 पैसे से, यानी कि 17-18 पैसे से जो है पाकिस्तान 40 पैसा गया, 40 पैसे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया विन गया। तो आप कह सकते हो कि चाहे किसी भी टीम पे आप बैठे हो लेकिन जैकपॉट आपको देखने को मिला होगा। ये मैच किस तरीके से हो सकता है, ये मैच बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचेस हार चुका है, तीसरा मैच है और अपनी इज्जत बनाने की पूरी से पूरी कोशिश वो जरूर करेंगे ताकि वो जो एक टीम के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो गरिमा बनी रहे। तो देखते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। तो ये वीडियो के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर आपको बहुत तेज लगेगा आवाज तो आप 1.5 पे जो है वो उसे देख लेना वॉच करके स्लो करके, ताकि आपको जो है वो जो अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बात करते हैं तो ये जो है थर्ड मैच होने वाला है और आप देखोगे तो ये आपको 18 नवंबर को, और आपको जो है हॉबर्ट के ग्राउंड के बारे में बात करेंगे और आपको 1:30 से जो है कल से देखने को वीडियो जो है मिलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम इलेवन के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा, अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना क्योंकि यही पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नज़र आएगा। तो अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की थर्ड मैच की बात करते हैं तो ये आपको 18 नवंबर यानी कि मंडे को देखने को मिलेगा। टाइमिंग होगा 1:30 इंटरनेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और आपको बेलरी ओवल होबर्ट में जो है देखने को मिलेगा लाइव, आप इसे हॉटस्टार पे जो है वो देख रहे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट की होबर्ट की, तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो है एक बैलेंस पिच के रूप में जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे पेस बॉलर्स का फेवरेट जो है फेवरेट रहता है ये, और साथ में जो बैट्समैन है उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मैचेस देखने को मिलता है। अब फर्स्ट बैटिंग करते हुए आप देखोगे कि 12 में से 7 विन मैचेस जो है यहाँ पे जीता हुआ है और 5 मैचेस जो है सेकेंड इनिंग जीता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर केसेस में यही दिखा है कि जो रन है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बनता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग में। और जो रन बनने का सिलसिला है वो भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे शुरुआती दौर में पेस बॉलर जो है वो थोड़े से स्विंग्स के कंडीशन के कारण, ओवर बाउंस के कारण जो है विकेट मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाता है हमने देखा है कि जब बाउंस ही नॉर्मलाइज होता है रन बनना शुरू हो जाता है। तो वैसे सिनेरियो में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पिच रन देगा, विकेट जो है वो पेस बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू जो स्पिन बॉलर्स है, तो उसी के हिसाब से अपनी टीम जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिस पर हम लोग अभी डिटेल्स में आगे बात करेंगे। अब इस ग्राउंड के स्टेट्स की बात करते हैं तो आप देखोगे तो आपको जो है टोटल मैचेज अभी रिसेंट में 12 हुए जिनमें 7 फर्स्ट मैच जीता है, 5 सेकेंड मैच जीता है, और 150 से नीचे आप देखोगे तो 4 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में देखोगे 3 स्कोर है, 170 से 90 के बीच में देखोगे तो 3 स्कोर, और 190 से ऊपर आप देखोगे तो 2 स्कोर है। तो अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखोगे तो 4 स्कोर है, 3 है, 3 है और 2 है, तो जो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है आप देखोगे ना कि अगर आप 150 से ऊपर और नीचे देखो तो 150 से नीचे 4 स्कोर नज़र आएंगे, और जब भी 150 से ऊपर आप देखोगे तो आपको 8 स्कोर जो है वो नज़र आएंगे। तो जो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है आप ऐसा ले लो कि अगर मैच बहुत ज़्यादा खराब होगा तो 150 से नीचे रहेगा, और बहुत अच्छे तरीके से जाता है तो आपको जो है वो 190-200 के आसपास जो रन देखने को मिल सकता है इस ग्राउंड पे। लेकिन एवरेज जो है इस ग्राउंड का आप देखोगे तो 164 है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एवरेज रन है होगा उसके 10 रन ऊपर 10 रन नीचे जो है आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, जो स्कोरिंग होगा वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाईएस्ट टोटल यहाँ देखोगे तो 213 है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 4 विकेट पे, और जो लोवेस्ट देखोगे आपको देखेंगे 218 रन जो कि 10 विकेट पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि विकेट जो हो किस तरीके से आप बनाए, तो आप देखोगे रिसेंट के जो 4-5 मैचेज है यहाँ पे, तो जो लास्ट मैच है वो फरवरी 2024 का है, अभी उसके पहले देखो 2022 में जो वर्ल्ड कप था उसके मैचेज है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो लास्ट में मैचेज हुआ था 2013 ऑस्ट्रेलिया बनाया था, वेस्ट इंडीज यहाँ पे जो है 202 रन बनाया था। विकेट की बात करें तो पेस बॉलर्स को जो फर्स्ट इनिंग था उसमें 7 विकेट मिला था, सेकंड इनिंग में 3 विकेट मिला था, और स्पिनर्स की बात करते हैं तो आपको देखोगे फर्स्ट इनिंग में कोई विकेट नहीं मिलता स्पिनर्स को, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में 4 विकेट स्पिनर्स को जो है मिला था। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेज का, तो बांग्लादेश को देखोगे तो यहाँ पे 144 बनाया,
और नीदरलैंड जो है यहाँ पे 135 बना पाया, ऑल आउट हो गया था। पेस बॉलर्स को देखो तो फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिला, सेकंड इनिंग में 7 विकेट मिला, और स्पिनर्स को देखो फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट। तो देखोगे यहाँ पे पेस बॉलर्स 10 विकेट लेता है, यहाँ देखो पेस विकेट 13 विकेट लेता है, और यहाँ देखो स्पिनर सिर्फ 4 विकेट लेता है, और यहाँ देखोगे तो स्पिनर सिर्फ 3 विकेट लेता है। उससे पहले के मैचेस की बात करते हैं, आयरलैंड यहाँ पे 128 रन बनाता है 20 ओवर में 8 विकेट पे, और श्रीलंका 1 विकेट पे जो है वो चेस कर लेता है। अब देखो फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट पेस बॉलर्स को मिलता है, 5 विकेट स्पिनर्स को मिलता है, और सेकेंड इनिंग में केवल एक ही विकेट गिरा था जो कि स्पिनर्स को मिलता है, पेस बॉलर को कोई विकेट नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस मैच में देखोगे तो पेस बॉलर्स को 3 विकेट है, और स्पिनर्स को देखोगे तो 6 विकेट जो है मिला था। तो इस मैच में डेफिनेटली स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट किया था। और उससे पहले के मैच की बात करते हैं, देखोगे तो यहाँ पे स्कॉटलैंड जो है 132 बनाता है 6 विकेट पे, और जिम्बाब्वे जो 133 बना के जो है 5 विकेट पे चेस कर लेता है। इसमें देखोगे तो पेस बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिया, सेकंड इनिंग में 3 विकेट लेता है। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिलता है और सेकंड इनिंग में 2 विकेट मिलता है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं टोटल 8 विकेट पेस बॉलर लेता है, और यहाँ देखोगे तो आपको 3 विकेट जो है वो स्पिनर्स जो है वो टोटल लेता है। आप टोटल की बात कर लेते हैं तो पेस बॉलर्स जो है वो टोटल 4 मैचों में 34 विकेट जो है लेते हैं, जिनमें से फर्स्ट इनिंग में 21 विकेट है, सेकंड इनिंग में 11 विकेट है, और वहीं अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो इनको मिलता है 16 विकेट, जिनमें से 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में मिलता है और 8 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल अगर हम लोग विकेट की तो टोटल 50 विकेट गिरा है लिसन के 4 मैचों में, जिनमें से 34 फर्स्ट बॉलर फर्स्ट फास्ट बॉलर ने लिया है और 16 जो है वो सेकेंड बॉलर ने लिया है। तो ये रहा यहाँ का पिच, और अगर आप पिच रिपोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ जो है जानना चाहते हो तो यहाँ पे जो है मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, जो पेस बॉलर्स हैं उनको विकेट अच्छे से मिलता है। तो जो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के जो बॉलर्स होंगे उनमें से पेस बॉलर्स आपके लिस्ट में सबसे पहले होने चाहिए, फिर एक दो का आप स्पिनर्स को ले सकते हो, और साथ में आप रन देखोगे तो अच्छा खासा बनता है, तो आप बैट्समैन भी जो हो पिक करके जाओगे, इसमें कोई भी कंजूसी जो हो नहीं करोगे। अब बात करते हैं हेड टू हेड का, तो लास्ट के दोनों मैचेज इंक्लूड करके 24 मैचेज हो चुका है, इनमें से ऑस्ट्रेलिया 11 जीता है और पाकिस्तान जो है 12 जीता है। और रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो लास्ट के 2 मैचेज ऑस्ट्रेलिया जीत के आ रहा है और लास्ट के 2 मैचेज पाकिस्तान हार के आ रहा था, जिसमें बताया कि अभी इज्जत बचाने के सवाल है, तो पाकिस्तान पूरे एनी तोड़ी का जो है दम लगा देगा ताकि इस मैच को जो है वो जीते। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होने वाला है, और लास्ट मैच में अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला। तो इस मैच में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो शायद देखने को मिल जाए, एक दो चेंजेस, और वो इस वजह से देखने को मिल जाएगा क्योंकि जो जो प्लेयर्स जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं, एक दो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, उनको मौका मिल सकता है, बाकी इसमें से कौन बाहर जाएगा ये देखना होगा। क्योंकि अगर सारे प्लेयर्स को देखोगे ना तो किसी का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस अभी नहीं आया है ताकि उसको बैठा कर रेस्ट कराया जा सके। जहां तक मुझे लगता है कि चेंजेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखोगे जैक फ्रेजर का, तो ये लोड नहीं हुआ आज का इमेज, तो आज के इमेज के लिए जो है वो अभी लोड नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो है आप बिना इमेज के समझ लो। जैक फ्रेजर ने लास्ट 2 मैच में 1 में 9 बनाया, 1 में जो है 20 बनाया है। मैथ्यू शॉट को देखोगे तो 1 में 32 बनाया, 1 में 7 बनाया है। तो अगर दोनों में से अगर हम लोग पिक करके चलना चाहे तो मैथ्यू शॉट का एक छोटा सा परफॉर्मेंस जरूर आया है, तो बड़ा परफॉर्मेंस एक आ सकता है, और उसे से आप जैक फ्रेजर को भी जो है देख सकते हो। तो अगर दोनों को लेना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि अगर दो टीम बनाते हो तो दोनों को सेलेक्ट कर लेना अलग अलग टीम में, एक टीम में जो है दोनों को मत शामिल करना। इसके अलावा बात करते हैं जॉस इंग्लिश का, तो लास्ट मैच में देखोगे तो 0 विकेट 1 कैच, 0 रन 1 विकेट 0 रन 1 कैच, तो देखोगे तो इनको जो है लास्ट के दोनों मैचों में कोई भी रन नहीं बनाया है। तो अब उससे पहले भी देखो तो कोई बहुत बड़ा रन नहीं आया है पिछले 4 इनिंग में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा स्कोर देखने को मिल जाए, तो उस हिसाब से आप लेके जा सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं तो लास्ट के 2 मैच में देखो लास्ट मैच में 21 आया था, उसके पहले 43 आया था, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ एक परफॉर्मेंस आपको 30-40 रन का देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा परफॉर्मेंस शायद अभी ग्लेन मैक्सवेल से जो हो देखने को नहीं मिल रहा है, अनटिल की बहुत बुरा सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया का हो और ग्लेन मैक्सवेल पिच पे खड़ा हो, तो हो सकता है कि 100 रन भी मार दे, वो अलग सिचुएशन होता है। अब बात करते हैं मार्कस स्टोनिस का, देखो इनके जो है लास्ट के कुछ मैचेज देखो, ये मैचेज आप देखो ना लास्ट के 5 मैचेज, तो यहाँ पर देखो 14 रन है, 21 रन है, 8 रन है, 2 रन है, 10 रन है और 1 रन है। तो हम लोग जीएल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ एक बड़ा इनिंग ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिल जाए, लेकिन अगर वैसे नॉर्मली बात करते हो तो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ये सोचना पड़ेगा। टीम डेविड की बात करते हैं लास्ट के 5 मैच देखो स्कोर आप देखोगे तो कोई भी स्कोर जो है वो 18 रन जो कि लास्ट मैच में था उससे बड़ा नहीं गया, और 18 रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे लास्ट मैच में जो है आपको देखने को मिला कि ये ड्रीम टीम में जो शामिल थे, तो ये चीज़ का आपको यह ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एरॉन हार्डी का, तो देखोगे लास्ट मैच में जो है 28 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं किए थे। जेवियर ब्रेसेट की बात करते हैं लास्ट मैच में 1 विकेट था, उससे पहले 3 विकेट मिला था, तो इनको हर मैच में 1-2 विकेट जरूर मिल जाता है, तो उस बेसिस पे हम लोग पिक करना जरूर चाहेंगे कि अगर 25-26 पॉइंट भी मिल जाता है, 50 पॉइंट मिल जाता है, तो ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं।
इसलिए बात करें नेथन एलिस का, तो लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले 3 विकेट मिला, तो पहले 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, तो इनको जो विकेट है वो ओकेशनली मिलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा रेगुलर के तौर पर नहीं मिलता, तो आप चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, लेके जा सकते हो, लेकिन अगर मैं बात कहूँ लेके जाना चाहिए कि नहीं, तो वैसे में पिछला अगर एक तो हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से, तो देखोगे तो परफॉर्मेंस उतना अच्छे से नहीं आया, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ देखने को मिल जाए। जंपा की बात करते हैं, लास्ट मैच में 2 से प्लेयर, 2 से प्लेयर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2, फिर 2, तो देखोगे तो 1-2 विकेट जंपा को मिल जाता है, और डिपेंड करता है किस सिचुएशन में बॉलिंग करते हैं, तो हम लोग स्पिन बॉलर्स को हालांकि कम सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर एक स्पिनर्स लेके जाना हो तो हम लोग जंपा को जो है पिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन की, तो लास्ट मैच में तो बवाली था, 5 विकेट मिला, उससे पहले देखोगे तो 1 विकेट मिला, और उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 0 विकेट था, लेकिन ये जो लास्ट के 2 मैचेस रहे हैं वो बहुत ही कमाल कर रहे हैं, तो आप पिक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि तुरंत जो है एक मैच में 5 विकेट मिले उससे अगले मैच में जो है ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के, तो इसमें लास्ट मैच में एक चेंज हुआ था, सुफियान मुकीम को जो है ये लाया गया था, और बाकी जो है प्लेयर जो है सारे सेम थे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखने को नहीं मिला था। अब देख लेते हैं किस परफॉर्मेंस रहा है, तो रिजवान की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो रिसेंट टाइम में कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया है, हालांकि लास्ट मैच में एक कैच मिला था, 16 रन भी बनाया था, तो उस हिसाब से देखोगे तो आप पिक करके जाना चाहो चल सकते हो, अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर टिक गया तो बहुत रन बनाएगा, लेकिन हाँ अगर बात करोगे रिसेंट टाइम में तो कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस अभी नहीं आया है। बाबर आजम का सेम हाल है, तो कोई अभी रिसेंट के जो 2 मैचेस देखोगे तो 1 में 3 आया था, 2 में 3 आया था, तो परफॉर्मेंस की उम्मीद हम दोनों से लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को रिस्क के तौर पर लेके जाए ये गलत होगा, तो आप जो है अवॉइड कर सकते हो, अलग अलग टीम में लेके जा सकते हो। इसी अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है शाहिजादा फरमान का, आप देखोगे लास्ट मैच में 5 आया था, उससे पहले 8 आया था, उससे पहले 9 आया था, तो बड़ा परफॉर्मेंस का वेट जरूर है, तो अगर आप जीएल के लिए वेट कर रहे हैं तो अलग डिफरेंट टीम में लेके जा सकते हो, लेकिन अगर हाँ आप स्मॉल लीग के लिए देख रहे हो, चाहते हो कि स्मॉल लीग में एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए, तो उसी बेसिस पे आप कैटलाइज होकर जा सकते हो कि अभी के लिए ठीक नहीं है। उस्मान खान की बात करते हैं, तो देखोगे जैसे लास्ट मैच में बोला था कि बड़ा परफॉर्मेंस ऐसे हो छोटा परफॉर्मेंस देखिए, बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, लास्ट मैच में 52 देखने को मिला, तो उसी में हम लोग काउंट कर सकते हैं कि आने वाले मैच में शायद 1-2 मैच में परफॉर्मेंस ना आए, या फिर एक बड़ा परफॉर्मेंस आ भी सकता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो उसे में आपको जो है अगर स्मॉल लीग के लिए जाना है तो आप प्रीफर कर सकते हो बिल्कुल। जीएल के लिए जो है अगर आप बहुत सारे लोग प्रीफर करके जाएंगे, सिलेक्शन रेट 95% से ज़्यादा होगा, तब कोशिश करना कि अभी के लिए ना लेके जाओ, अगर आप यूनियन टीम बनाना चाहते हो, तो अगर दो तीन टीम बनाते हो तो एक में लेके जाना, एक में जो है मत लेके जाना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर सलमान का देखोगे तो लास्ट मैच में 0 था, उससे पहले 4 था, तो परफॉर्मेंस पिछले 4 मैचों में नहीं आया है, और पिछले 6 मैचेस भी देख लो तो भी कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया है, पिछले 6 मैचों में मिला के देखोगे तो टोटल 17 रन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत बड़ा एक इनिंग अभी तक नहीं आया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म नहीं है तो आप स्मॉल लीग में तो बिल्कुल मत पिक करना, जीएल के लिए जो लोग ट्राई करेंगे जा सकते हो। इरफान खान की बात करते हैं, लास्ट मैच में देखो 37 रन आया था, उससे पहले कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं था, हाँ परफॉर्मेंस आया सुनना शुरू हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो ये स्मॉल लीग के लिए भी लेके जा सकते हो, लेकिन जीएल के लिए जो थोड़ा सा अलग तरीके से सिलेक्शन करना। अब बात करते हैं सूफिया मुकीम का, आप देखोगे तो यहाँ पे देखने मिला कि 2 विकेट मिला था, 1 विकेट मिला था, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो वैसे में आप कह सकते हो कि यहाँ पे हाँ विकेट इनको जो है मिल सकता है, लेकिन ये इससे पहले के जो मैचेज है ये डोमेस्टिक और जो है जो ए टीम के जो मैसेज होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे हुए तो लास्ट मैच में 2 विकेट जो है वो जरूर देखने को मिला, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट मैच में जो चेंजेस था वो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे कायम रह सकता है, और अगर अगर हम बात भी करते हैं तो आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ना लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर्स हैं, तो वैसे में आप लेके चल सकते हो कि इनको विकेट मिलने के चांसेस बन सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अब्बास अफरीदी के, आप देखोगे तो रिसेंट में लास्ट मैच 3 विकेट मिला, उससे पहले 2 विकेट मिला, तो हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ इनको विकेट मिलने के चांसेस जो है बन सकता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे शाहीन अफरीदी को, तो लास्ट के 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं मिला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड़ा विकेट देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसा ले लो कि बहुत ज़्यादा एकदम से विकेट मिल जाए तो वो हो सकता है, तो जीएल के लिए रिस्क लेके जा सकते हो, लेकिन अगर स्मॉल लीग लेके जाना हो तो अभी के लिए मत लेके जाना, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है। हरी सर आपकी बात करते हैं, तो इनको विकेट मिल जाता है, जैसे मैं लास्ट मैच में बात कहते कि विकेट मिल जाता है, लेकिन मार बहुत पड़ती है, और लास्ट मैच में भी मार पड़ा था, विकेट मिला था, लेकिन देखोगे तो 4 विकेट मिला था, और ये जो है ना लास्ट मैच की जो ड्रीम टीम का उसके जो है कैप्टन थे, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो मैं तो नहीं बना के गया था कैप्टन और ना ही वॉइस कैप्टन, क्योंकि मुझे जो है ना मार इनको बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस सीनरियो में जो है मैं बहुत ज़्यादा लेता नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन हाँ टीम में जरूर रखा था, लेकिन कैप्टन वॉइस कैप्टन सेलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग को जो ड्रीम टीम फेल हुआ था, जिनको पता होगा कि कैप्टन वॉइस कैप्टन हमने जो है सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से आपको देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि नसीम शाह का, तो लास्ट मैच में जो है हमने सेलेक्ट तो जरूर किया था, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी विकेट जो नहीं मिला था,
और अभी रिसेंट टाइम में देखो तो कोई विकेट बहुत अच्छा खासा नहीं मिला था। हम लोग एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि विकेट मिल जाए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है ना वो जल्दी से आउटसाइडर को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करता, बहुत ज़्यादा विकेट आपको मिलते हुए नज़र नहीं आता है। तो अब बात करते हैं टीम के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी किसम ने जो है टीम सेलेक्ट किया है। तो ये जो है हमारा टीम रहने वाला है और स्मॉल लीग के लिए और जीएल के लिए जो टीम है वो भी जो है आप यहाँ पे लेके जा सकते हो इससे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जो परफेक्ट टीम होगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तब वहाँ से जो है ये सारी चीज़ जो आपको देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से जो आप सेलेक्ट कर लेना। सो अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा और इन चीज़ को आप बिगिनर्स सेशन एंट्री या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है। और जो भी टीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।